हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये कार के अंदर कोई मैनुअल हैंड ब्रेक नहीं आता है, ये कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आता है, जो कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। सो अभी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कार के अंदर अगर मैनुअल हैंड ब्रेक रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर कार के अंदर अगर ब्रेक फेल हो भी जाते तो मैनुअल हैंड ब्रेक खींच के आप कार को जो है वो आप स्टॉप कर सकते हो। सो अभी ये कंडीशन में तो मैनुअल हैंड ब्रेक है नहीं ये गाड़ी के अंदर। सो क्या होता है, अगर समझो हम लोग चलती गाड़ी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक जो है वो अगर हम प्रेस करते तो क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, कार में स्लो स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ, एक अराउंड 35-40 के स्पीड पे कार ड्राइव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अभी एक बार ये बटन दबा के देखता हूँ। तो ये देखिए, मैंने बटन दबाया छोड़ा, तो जैसे मैंने दबा के रखा था तो हैंड ब्रेक जो है वो लग गया था। सो अभी मैं कार को जो है थोड़ा सा हाई स्पीड पे चलाता हूँ, और थोड़ा सा पीछे एक कार आ रही है उसके अंदर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। एक सेकेंड। सो अभी अच्छा खासा गैप जो है वो कार के अंदर आ चुका है, और अभी मैं हैंड ब्रेक खींचता हूँ। रुको, पहले थोड़ा सा सीधा रोड पे आ जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ। अभी मैं प्रेस करके देखता हूँ, तो ये देखिए गाड़ी जो है वो तुरंत रुक गई। अगर मैं हैंड ब्रेक प्रेस करके रखता हूँ, वो जो बटन है उससे अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ, तो जितने देर तक हम वो बटन दबा के रखते हैं तब तक ब्रेक जो है वो एंगेज हो जाता है। कार स्केट नहीं होती है लेकिन रुकने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज करती है कार। मैं फिर से एक बार आपको स्ट्रेट रोड पे करके दिखाता हूँ। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सेफ्टी के जरिए से हम अगर देखें तो अच्छा है। सेकेंड, अभी फिर से सीधा रोड लग जाएगा। ये देखिए, एक्सेलरेशन मैंने देके रखा है और हैंड ब्रेक यहाँ पे मैंने देके रखा था। ये देखिए। सो गाइस, अभी आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि अगर चलती के ऊपर हम हैंड ब्रेक प्रेस करते हैं, ये कार का ये वाला हैंड ब्रेक जो कि है इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या होता है अभी आपको पता चल गया होगा। कार जो है वो रुकने की कोशिश करती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ट्राई करती है कार, लेकिन जो कार के जो टायर्स है वो स्केट नहीं होते हैं। ऑब्वियसली ABS भी एक्टिवेट होता होगा ऐसे कंडीशन के अंदर, लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर कार जो है वो रुक जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है स्पूल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।